एक्सरसाइज 19 एलोकेट सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कार दे रखा था 1,50,000, वो लिख दिया है। उसके बाद कार परचेस करने के बाद रिपेयर और पेंटिंग कराई गई, उस पर जो खर्च आया वो स्पेंडिंग अमाउंट है ₹10,000, तो वो हमारा ओवरहेड कहलाया, वो भी हमने लिख दिया है। तो टोटल कार कितने की पड़ी वो हमने प्लस करके निकाल लिया 1,60,000 की, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग और पेंटिंग का जो कॉस्ट था वो भी हमने उसके अंदर प्लस कर दिया है। उसके बाद कार को सेल कर दिया गया है, यानी सेलिंग प्राइस कार का कितना है वो है 2,00,000। अब आपको पता लगाना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो हम पहले देखेंगे सेल्स SP और CP। यहाँ पर SP और CP आ गया, कौन सा ग्रेटर है हमारे पास, SP इज ग्रेटर, तो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट, हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख देंगे। उसके बाद प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू लिखना है, रुपीज़ 2,00,000 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद माइनस रुपीज़ 1,60,000 माइनस करेंगे तो यर वी विल गेट रुपीज़ 40,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 40,000 का। नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू, एलोकेट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। देखिए यहाँ पर विनय ने एक हाउस परचेज कराया जिसका कॉस्ट दे रखा है ₹4,50,000, वो लिख दिया है। उसके बाद जब विनय ने उसको परचेज कराया तो उसको रिपेयर और वाइट वॉशिंग का उसने अमाउंट स्पेंड किया है, तो वो है हमारा कहलाया ओवरहेड। कितना करा उसने, ₹20,000। तो टोटल हाउस कितने का उसको पड़ा वो हमने प्लस कर दिया है, 4,70,000 का विनय ने परचेज किया है। उसके बाद उसने उस हाउस को सेल भी कर दिया, कितने का, 4,30,000 का, वो भी हमने लिख दिया है। अब हमें पता लगाने है विनय को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है हाउस को सेल करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कंपेयर करते हैं विच इज़ ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, तो हमें विनय को क्या हुआ, लॉस हो गया है। तो हमें लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, रुपीज़ 4,70,000 माइनस 4,30,000 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर वी विल गेट रुपीज़ 40,000, यानी 40,000 का विनय को लॉस हो चुका है। नंबर वन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड SP व्हेन CP इज गिवन ₹20 और गेन परसेंट, यानी गेन परसेंट हमें दे रखा है 10%। तो SP निकालने का जो फार्मूला है वो है SP इज इक्वल टू 100 प्लस P%, यानी गेन परसेंट हुआ, इसको हम गेन या प्रॉफिट एक ही बात है, इनटू CP अपॉन 100। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है SP निकालने का, कब, जब प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो और CP दे रखा हो। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 100 प्लस P% के लिए हम सिर्फ 10 लिखेंगे, परसेंट का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, उसका 100 नीचे दे रखा है, इनटू CP कितना है 20 अपॉन 100। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम प्लस करेंगे, यानी हो जाएगा हमारा 110 इंटू 20 अपॉन 100, 0 से 0 कट 0 से 0 कट, हमारा कितना आ गया ₹22, इट इज़ द सेलिंग प्राइस। नंबर वन क्वेश्चन नंबर 5, नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, SP इज इक्वल टू ₹12.50, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 13 होल 1/3%। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर इस लॉस परसेंटेज को चेंज कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे फिर डेसिमल में चेंज करेंगे। SP इज इक्वल टू ₹12.50, दैन लॉस परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 40/3%, यानी हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा 13.33%। उसके बाद हमें SP निकालना है, तो SP निकालने का जो फार्मूला है वो है SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू CP अपॉन 100। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज रखा हो तो आपको प्लस करना है, और अगर लॉस परसेंटेज रखा है तो आपको माइनस करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, 100 माइनस वैल्यू पुट कर देंगे 13.33 ब्रैकेट क्लोज, देन इनटू CP कितना है 12.50 अपॉन 100 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर वी विल गेट 86.67 इनटू 12.50 अपॉन 100। इसके बाद यहाँ से आपको खुद करना है, यानी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो अप्रॉक्स में आ जाएगा। नंबर वन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड CP व्हेन SP इज इक्वल टू ₹12 इज गिवन एंड गेन परसेंट इज इक्वल टू 20%। CP निकालने का जो फार्मूला है वो है आपका SP इंटू 100 अपॉन, अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज है तो हम लगाएंगे 100 प्लस P% और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, यानी सिर्फ हमें परसेंटेज नहीं लगाना है, सिर्फ 20 वैल्यू लिखना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 20 लिखना है। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद आपको ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, ब्रैकेट सिर्फ ये नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है, न्यूमिनेटर तक नहीं है, तो इसको आप यहीं पर रखिए डिनोमिनेटर के पास। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 120। अब हम कटिंग कर देंगे, 12 टेन जा
120, then 10 tens are 100, means rupees 10. It is the cost price. कब है? जब SP दे रखा है rupees 12. Question number 6, part number 2, SP is given, that is rupees 360. Loss percent आपको दे रखा है 10%. अब आपको loss दे रखा है और CP निकलवा रहा है, तो हम CP लिखेंगे, CP is equal to SP into 100 upon 100 माइनस लॉस परसेंट. इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा तो आप प्लस 100 लगाएंगे, और जब लॉस परसेंट मिलेगा तो आपको 100 माइनस लॉस परसेंट लगाना है. उसके बाद सिंपल सा है, आपको वैल्यू पुट करना है, 360 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये परसेंटेज का सिंबल यहाँ दे रखा है, लेकिन फार्मूले में भी परसेंटेज का सिंबल दे रखा होगा, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो विदाउट परसेंटेज सिंबल आपको वैल्यू पुट करना है. उसके बाद आपको सिंपल सा माइनस करना है, 360 इंटू 100 अपॉन 90, देन 0 से 0 कट, देन 9 4 दा, सिंपल सा हो जाएगा रुपीज़ 400. इट इज़ द कॉस्ट प्राइस. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज गिवन, दैट इज रुपीज़ 23,000, एंड गेन परसेंट मीन प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 15%. आपसे कह रहा है कि आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करके बताइए. कॉस्ट प्राइस निकालने का जो फार्मूला है वो है एस पी इंटू 100 अपॉन, अब देखिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो हम ये लगाएंगे 100 प्लस पी परसेंट, गेन परसेंट मीन होता है प्रॉफिट परसेंटेज. उसके बाद सिंपल सा वैल्यू पुट करना है, यानी ये हो जाएगा आपका 23,000 इंटू 100 अपॉन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर 100 प्लस पी परसेंट कितना है 15. मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूँ कि आपका परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पर सिंबल ज़रूर दे रखा होगा, फार्मूले के अंदर भी होगा, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे. इसके बाद इससे पहले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सॉल्व करके दिखला चुका हूँ, आपको पहले क्या सॉल्व करना है बहुत ध्यान से देखिए आप, उसके बाद ये सॉल्व करिए, इसको आपको खुद करना है, और जो भी आंसर आए फाइनल आंसर उसके पहले आप रुपीज़ लगा दीजिए, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका, मोटरसाइकिल का, वही आपका आंसर होगा. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द सॉल्यूशन. कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज गिवन, दैट इज रुपीज 62.50. लॉस परसेंट दे रखा है 24%. आपसे कह रहा है एसपी आपको फाइंड करना है उस आर्टिकल का जिसका कॉस्ट प्राइस है 62.50. तो सेलिंग प्राइस निकालने का जो फार्मूला है वो है 100 माइनस लॉस परसेंट. देखिए यहाँ पे लॉस दे रखा है तो 100 माइनस होगा, प्रॉफिट दे रखा होता तो 100 प्लस होता, इनटू सीपी अपॉन 100. अब आपको कुछ नहीं करना है, मालूम बहुत ईजी है, यहाँ से 100 माइनस 24 इनटू 62.50 अपॉन 100. इसके बाद यहाँ से आपको खुद सॉल्व करना है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम आप खुद करिए. उसके बाद जो भी फाइनल आंसर आ जाए तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा रुपीज़, क्योंकि यूनिट हमारी कॉस्ट, हम सेलिंग प्राइस निकालना है वो कॉस्ट है उस आर्टिकल की, तो हम रुपीज़ लगा देंगे यूनिट, और यहाँ पर हम लिख देंगे अपना आंसर.